दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में 29 और 30 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व भव्य रूप से मनाया जाएगा, जिसके संबंध में संस्थान के ऋषिकेश जी ने बताया कि पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण संस्थान से जुड़े आशुतोष जी महाराज के भक्त और अन्य लोग ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण का भावपूर्ण वंदन, श्रीमद् भगवद् गीता से आध्यात्मिक ज्ञान रत्न श्री कृष्ण की जीवन गाथा को दर्शाती विभिन्न नृत्य नाटिकाएं एवं श्री कृष्ण की लीलाओं का ज्ञानवर्धक विश्लेषण किया जाएगा, जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संस्थान के सदस्य ऋषिकेश जी ने कहा। आपका नाम बताइए। मैं गोरखपुर आश्रम से महात्मा ऋषिकेश ज्ञान संस्थान के संस्थापक एवं संचालक सर्व श्री आशुतोष कुमार शिष्य महात्मा ऋषि एस जी इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर जो है दो दिवसीय आयोजन यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा और यह है हमारे गुरु महाराज जी का जो कथन है श्री कृष्ण जन्मोत्सव क्या होता है। आज समाज में लोग हर वर्ष कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं लेकिन वास्तव में उसका वास्तविक नहीं समझ पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वापर के लेकर और अभी तक जन्म लेके आ रहे हैं। क्या भगवान श्री कृष्ण का जन्म उसी द्वापर में हुआ था? नहीं, हमारे संत महापुरुषों ने बताया कि वो परमात्मा जो अजर है अविनाशी है जो हर युग में अवतार लेकर आता है वह हर युग में हर काल में संत महापुरुष के रूप में आता है जिसे हम जग गुरु कहते हैं, जिसे हम पूर्ण सतगुरु कहते हैं और वह हमारे जब इस धरा पर आता है धरा धाम पर तो हमारे जीवन में वह हमें उस ज्ञान की प्राप्ति कराता है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, जिसके द्वारा हम अपने घर के भीतर उस परमात्मा के शाश्वत रूप को समझ पाते हैं, शाश्वत नाम को समझ पाते हैं और जब ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही गुरु महाराज जी पूरे विश्व में पूरे मानव समाज में शांति की स्थापना के लिए इस धरा पर धरा धाम पर अवतरित हुए हैं और उनका कथन है पूरे मानव समाज में शांति की स्थापना हो और पूरे मानव समाज में अशांति फैला हुआ है और यह शांति कभी आ सकती है जब एक इंसान एक जीव अपने घर के भीतर उस परमात्मा के शाश्वत रूप का शाश्वत नाम का समझ पाया अपने घर के भीतर ब्रह्म ज्ञान के द्वारा और तब हम समझ पाएंगे मामा श्री कृष्ण का जन्म केवल द्वापर में नहीं एकता में नहीं सतयुग में नहीं कलयुग में नहीं हर समय हर युग में हर क्षण होता रहता है। सर्व श्री आशुतोष महाराज जी जो हमारे आराध्य हैं जो इस मुल्लेव हैं जो दिव्य ज्योति जाति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक हैं उनके तत्वाधान में जो ही कार्यक्रम दो दिवसीय 29 अगस्त को होने वाला है यूट्यूब के माध्यम से वेबकास्ट होने वाला है लाइव होने वाला है उस कार्यक्रम को हमारा ये कथन है हमारा ये उद्देश्य है सभी नगरवासियों पूरे भारतवासियों के कि अपने अपने घरों में वेबकास्ट लाइव के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखें और हमारे संस्थान के डीजीएस वर्ड को सब्सक्राइब करें। यही हमारा उद्देश्य है। मन सकू महाराज की जय सत्य नारायण की जय।